अभी जो उनके स्टूडेंट डिटेन किए थे उनको रिलीज किया गया है, बाकी डीसीपी साउथ ईस्ट से आप एक बार पूरी डिटेल लीजिए, इनको रिलीज तो सारे सबको रिलीज कर दिया गया है जितने कालकाजी अभी स्टूडेंट्स को रिलीज किया। हाँ, कालकाजी और एनएफसी से रिलीज किया, सारे स्टूडेंट को रिलीज। आज के जो इंसिडेंट था उसके कोई कॉल जामिया ने नहीं दी थी, जामिया के स्टूडेंट्स ने नहीं दी थी जो ऑलरेडी अपने घर जाने के मूड में थे और छुट्टी भी थी आज हमारे। मगर मुझे मालूम हुआ है, सब बताया गया है कि जो कॉलोनीज हैं जामिया के चारों तरफ वहाँ से एक कॉल आया था मार्च करने के लिए टूवर्ड्स जो लेना, वो लोग गए मार्च करते हुए कॉमन सड़क के ऊपर, तो हमारी सामने से गुजरते हैं ना वो यूनिवर्सिटी की कॉमन सड़क है, वहाँ से वो लोग गए और वहाँ जाके उनकी पुलिस से झड़प हुई। उस झड़प के बाद पुलिस ने उनको दौड़ाया वापस, तो वो दौड़ते हुए भी इसी सड़क से वापस गए जिसके दोनों तरफ जामिया है, तो वो हमारा गेट तोड़ते हुए जामिया का और हमारे गार्ड को धक्का देते हुए अंदर घुसे, उसमें से कुछ लोग जामिया की लाइब्रेरी में घुस गए। लाइब्रेरी में हमारे स्टूडेंट्स खुद पहले से बैठे हुए थे और पुलिस उनके पीछे इतनी तेज़ घुसी अंदर कि बच्चे समझ भी नहीं पाए और पुलिस भी नहीं समझ पाई कि इनमें से कौन आदमी है जिसका वो पीछा कर रहे थे और कौन आदमी है जो यहाँ पढ़ रहा था। इसलिए उनके अंदर यहाँ बैठे हुए जो जेन्युइन बच्चे थे उनके साथ ही मारपीट हुई है और उनके सबका इलाज जामिया करा रहा है, हमारी जिम्मेदारी है वो। और उसमें क्या पुलिस ने आपके प्रशासन से परमिशन ली, क्योंकि उसमें कई सारे आपके स्टाफ भी घायल हुए, छात्र भी घायल हुए, उस समय इस तरह का माहौल बन गया था, इसको लेकर क्या? मुझे लगता है कि इतनी अफरा तफरी थी, इतनी भाग दौड़ थी कि उनको टाइम नहीं मिला होगा हमसे परमिशन लेने का, इसलिए हमसे परमिशन तो उन्होंने नहीं ली। और अगर होती तो हम अपने प्रॉक्टर को साथ में भेजते और वो पहचानते इनमें से जो लोग हैं जेन्युइन या नहीं है, उनको वो पहचानते, मगर उन्होंने हमसे परमिशन ली नहीं थी। कर दो, कर दो।